भगवान के बहुत ज्यादा मांग रहल कि उजाला जी एक हास रस के बिरहा और सुनाई। तो ये हमार हास रस के बिरहा बा, आप लोग जैसे जैसे बिरहा के सुनल जाई वैसा वैसा पेट में गुदगुदी भरी, वही तरीके से आप लोगों के शरीर में करंट नियर लगी, मतलब गुदगुदी भरी। ये बिरहावा सुरेंद्र भैया गुदगुदी वाला बा, कैसे मास्टर साहब? बुद्धि बल से बड़ा कोई बल है नहीं, बुद्धि चाहे तो पर्वत हिमालय हिला दे, बुद्धि का स्रोत मानव में सबसे अधिक, बुद्धि गर जो नहीं तो जानवर ही बना दे। एक कहानी मिली एक सघन गांव से, जहां हर कौम के लोग लुगाई रहे, अरे भाई दो रहते थे बस उसी गांव में, अकल के भसुर दोनों भाई रहे। ए बाबू, बुद्धि दुनिया का सबसे बड़ी चीज बा, बुद्धि अगर कुछ बात तो बा बुद्धि बुद्धि ना एक कक्का बुद्धि बुद्धि। अच्छा बुद्धि, हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कुछ चीज बा तो आपका बुद्धि बा। बुद्धि आपके बल से बहुत बड़ी बुद्धि बा, आपके तनो बड़ा बलवान रही, अगर आपके पास बुद्धि ना बा तो आप समझे कि एकदम जानवर से भी बेकार बनी। तो देखिए बाबू, कहल जला कि दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धि बा, आपके पास दिमाग बा, बुद्धि बा, तब कौनो महफिल में बैठ सकेला, बोल सकेला, बतिया सकेला। अब बुद्धि ना बा तो आप पागल में घोषित हो जाइबा। कैसे मास्टर साहब? एक लाइन गुरु जी बड़ा बिजोड़ लाइन लिखले हुए, का लिखले हुए मास्टर? अरे कागज से कोयलिया, अरे कागज से कोयलिया कगीत नाही मिली है, मंगले बजारिया में प्रीत नाही मिली है, कवि जी बड़ा बढ़िया लाइन लिखले मास्टर साहब। अरे अज्ञानी से ज्ञान के, अरे अज्ञानी से ज्ञान के संचार नाही पाईबा, अब फुहरी से सौ के सिंगार नाही पाईबा, फुहरी से बताते हैं अगर अज्ञानी से ज्ञान का भरोसा करा तो ये सबसे बड़ी तोहार मूर्खता बा। अज्ञानी आदमी तो के ज्ञान का बताई। एक लाइन कवि जी और लिखत हो उनका, अरे दागे बाजे यार से, अरे दागे बाजे यार से करार नाही पाई, फुहरी से साऊ के सिंगार नाही पाईबा, फुहरी से साऊ के सिंगार नाही पाईबा, फुहरी से साऊ के सिंगार नाही पाईबा, सिंगार नाही पाईबा, फुहरी से साऊ के सिंगार नाही पाईबा, फुहरी से साऊ के सिंगार नाही पाईबा। अब देखिए दगे बाजे यार से करार नहीं पाईबा, आप कितनो सच्चा हुआ, अगर आपका दोस्त दगे बाजबा तो आपके
वफादारी को वो जिंदगी में ना दिखा सकला। वफादारी का अगर उसे आप सोच रखा कि वफादारी दगेबाज आदमी तोरे साथे करे तो कबो जिंदगी में वफादारी ना करी बाबू। कहीं कहीं तो गलपन दिखा दे अपन। हाँ ये तो सच्चाई बा, कहीं ना कहीं अपन असलियत दिखा दे। कहानी के शुरुआत बा, कहानी कहाँ से कैसे लिखल गई मास्टर साहब तनी आवा तो। यज्ञानी के समझावल आसान भला हो जाई, यज्ञानी के समझावल आसान भला हो जाई, पर पागल के समझावल बड़ा कठिन है भाई। एक ज्ञानी आदमी के समझावल बहुत आसान बा, आप समझेबा तोहर बात बड़े प्रेम से बैठ के समझ ली, लेकिन एक मूर्ख आदमी के समझावल दुनिया का सबसे बड़ी गलत फहमी तोहार बा। पागल से 50 गज दूरी और मूर्ख से 100 गज दूरी बना के रखे के चाहिए। कहना बा मास्टर साहब, जे नींद में सूतल बाटे आसान जगावल होला, जे नींद में सूतल बाटे आसान जगावल होला, जे जानबूझ के सूतल मुश्किल जगावल होला। ए भैया, जे नींद में सूतल बा अपने से नींद आई गई सूत गल, ओके जगाई बड़ा आसान बा, एक बार छुबा उठ के बैठ जाई। अजे जानबूझ के सूतल बा ओके जगावल चंदू चाचा बड़ा कठिन हो जाए। सबसे कोड़ आदमी धरती कहो जगाइबा तो उठ के ये करवटी मारी, नहीं नू कोई के ये करवटी मारी। ए लिए बाबू कहना बा मास्टर साहब का, दोनों भाई थे जाहिल, दोनों भाई थे जाहिल, एक बोरन एक बहोरन, दोनों के बस तू समझा, दोनों रहले कुल बोरन। ए भैया, सघन गांव का कहानी बा, सघन गांव के दू गो भाई एक बोरन एक बहोरन, वो अपने खानदान में सबसे ज्यादा कुल बोरन रहल। अब दोनों भाई एकदम जाहिल गवार, कुछ भी पता ना बा, बोरन बहोरन के माई बाबू बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन लेके गईले अपने गुरुजी के पास, गुरुजी के पास लेके गईलन, कहले गुरुदेव हमार बेटा बोरन बहोरन दोनों जने बाट आई शिक्षा से इतना दूर हुआ, लगत बा कि भगवान जो उन्हें समय दिमाग बांटत रहल, बुद्धि बांटत रहल, हमार बोरन बहोरन सूति गल। गुरुजी कैसो है ना उनके शिक्षित बनाए देती, तनिको कुछ दिमाग आ जात तो हमानों का बेड़ा पार हो जात। अब गुरुजी आश्वासन दहल, कल ठीक बा बोरन बहोरन तोहर बहुत जल्दी सुधर जाई है। अब शिक्षा देवे लगले गुरुजी, शिक्षा देत देत कुछ दिन बीतल तो बोरन बहोरन के माता पिताजी मर गए। ओकरे बाद गुरुजी के याद आयल, देखा गुरु का फर्ज होला चेला के अपने अच्छी शिक्षा देना, ते देखे गुरुजी चलल हुआ एक दिन बोरन बहोरन के घरे, आइला कहले कि जजमान की जय हो, जय हो जय हो। अरे बोरन बहोरन देखले गुरुदेव आ गईले दुआरे, जाय के बोरन बहोरन गुरुजी के गोड़वे पर गिर गईलन, कहे से कि माई बाबू बोरन बहोरन के इहे शिक्षा दले रहलन, काले कि गुरु के चरणीय में चारों धाम बा, इहे तहलोन का गुरु हम, तो बोरन बहोरन के समझ में आवे कि गुरु ही है चरणीय बा, चरणीय बा। अब दोनों बोरन बहोरन गोड़ पकड़ के धोतिया उठा जाना, आई देखा गलन बोरन बहोरन पकड़ की है गोड़ घंटन धरत हुआ। गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो। बस अब गुरुजी कहले दोनों चेला हमारी पागल हो गई ले का, हटावत हो गुरुजी। अरे बोरन
जिया जिया निके रहा। अरे बहु बहोरन खुश रहा बेटा, खुश रहा लाल, आशीर्वाद देत बनी, खुश रहा। अच्छा कैसो कैसो गुरु जी बोरन बहोरन के अपने पैर से छोड़ौले, तब ले मास्टर साहब बोरन बहोरन का दिमाग काम करत है देखा। अब लगत है कि एंटीना लग गल हो, बोरन सोचत हुआ कि बहोरना जल्दी, बोरन सोचत हुआ कि बहोरना कुल आशीर्वाद ले, अब बहोरन सोचत हुआ कि बोरना कुल आशीर्वाद ले ले। अब दोनों भाई बोरन बहोरन करत कहुआ मास्टर साहब एक लाइन गीत लगल बा। मास्टर साहब ही हम गीत के गौले बनी, कौन गीत बा मास्टर साहब? रतिया मरले बा बलमुआ हो बेला नवाई कमार, भाव पे गौर करी मास्टर साहब। दोनों कैली हला झगड़ा सेवकाई में, दोनों कैली हला झगड़ा सेवकाई में, अरे गुरु जी के खटिया परल इनरा के दाती, अके करे घर खाना बनी भइल आधी राती, दोनों कैली हले झगड़ा सेवकाई में, बहोरन और बोरन और बहोरन के मन में यह जलत बा, बोरन और बहोरन दोनों भाई सोचत हुए कि गुरुजी के अगर हम अपने घरे लेके चल जाई तो आशीर्वाद गुरुजी हमके ज्यादा दे हैं। दूसर का भाई बोरन सोचत बा अगर हम अपने घरे गुरुजी के लेके चल जाई तो आशीर्वाद हमके ज्यादा मिल जाई। बस गुरुजी का दोनों भाई पकड़ के बहिया चंदू चचा खींचे शुरू कैलन। अब गुरुजी अकेल, अब एक बाह बोरन पकड़लन और दूसर की बाह बहोरन पकड़ के कैलन तानी का ताना। गुरुजी हमारे घरे, गुरुजी हमारे घरे बटोरन कहे, गुरुजी हमारे घरे, गुरुजी हमारे घरे बहोरन कहे, गुरुजी हमारे घरे। अब अकेल गुरुजी कहला हम करी त करी का, इतने हम गुरुजी का नारा उखाड़ गए कहले गुरुजी की तो बहिया दोनों हमार खींच के तोड़ देवे चाहला, अहुए कुल हमार मूर्ख चेला। गुरुजी कहलन की बहोरन सुना हमार बात, आए बेटा बोरन तनी सुना, सुनला बेटा बाह लोगन तनी छोड़ा हमार, तनी हम राहत मेवेदा, तनी हम आराम कर लेवेदा। बड़ी सांसत कैला हमार लोगन, बड़ी सांसत कैला लाल लोगन, ना हम बोरन के घरे जाई ना हम बहोरन के घरे जाई। गुरु जी कहले कि साझा कई नार बा, इनरा तो तोहर बहोरन तोहरो बा, अब बोरन तोहरो इनार बा। दोनों चेला कहला हाँ जी गुरु जी जी, कहला यही जा हमार खटिया लगा दे, यही जा हम आराम कर थीला। दोनों भाई लियाए के खटिया लगौले वही इनारे के दाती, खटिया लग गई। आ जब खटिया लग गई मास्टर साहब तो धीरे धीरे आधी रात हो गया। अब गुरुजी का जोन बाह दोनों चेला खिंचले रहल है, वो जोन दर्द रहल, गुरुजी यह करवटी मुड़े तबो कहे आही मोरी माई रे, जब यह करवटी मुड़े तबो कहे आही मोरी माई रे।
अब गुरुजी के धीरे धीरे 10 बजल रात आराम भयल। अब गुरुजी के लगल बा मास्टर साहब भूख, तब भयल का मास्टर साहब तर्ज लगल बा। बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खा ले लपसी, भाव पे गौर करी मास्टर साहब कहना बा। रतिया में सूत गई ले गुरु उपवास से, नहीं चला गुरु कई बेरी खासे, तक नहीं चला गुरु कई बेरी खासे, रतिया में सूत गई ले गुरु उपवास से। खैले बिना सूत गई ले देखा गुरु राई, मुह को मिलायल गईल देहिया झुलाई, रात भर ना चेला कौनो आइला उनके पास, रात भर ना चेला कौनो आइला उनके पास, रतिया में सूत गईल गुरु उपवास। भैया जब गुरु जी के भूख लगल, अब भूख के मल्ले ये बाबू एकदम उनकर पेट कोय कोय करत बा। गुरु जी कई बेरी उठ के चारपाई पे बैठल हैं, चंदू चाचा वो बनावटी खोखा लगाए ये लिए गुरु जी खोखा कि कौनो चेलवा अगर देख ले तो दो चार कवर लिया के खिया दे तब वो तीहा हमारे पड़ जात। लेकिन समस्या तो यही रहल कि कौनो चेला अगर हमार बहरे आ जा दया करत दो चारो कवर खिया दे पेटे में कचूहा हमार बंद हो जात, तो ये हमार पेट जन को करत भाई शांत हो जात, ये पेट का भूख मिटाई जात। लेकिन समस्या बड़ी तो ये बा, बोरन सोचत हुआ कि बहोरना गुरु जी के खियावत होई, बहोरन सोचल कि गुरु जी हमारे घरे ना आयलन, हम खाना ना खियाई बहोरन नहीं खियावे। अब बहोरन सोचत हुआ गुरु जी हमारे घरे ना आइलन जाए के बटोरन नहीं खियावे। अरे बाप रे, बोरन बहोरन में भैया गड़बड़ा जाते हम ही फिर से बोल दे। बोरन सोचल कि बहोरना ले जाए के गुरु जी के खियाई भाई करी, गुरु जी हमारे घरे ना आइले तो हम काहे खियाई। अब बहोरन सोचत हुआ कि बोरना खियाई, जब गुरुजी हमारे घरे ना आइले तो हम काहे खियाई। ताकि ताका में भैया हो गुरुजी का रात बीती गई ऐसे ना बीतले भैया, बड़ी सांसस से बीतल, भूख के मरले करवट पे करवट फेरते रह गए गुरुजी। सुबेर भयल कहले गुरुजी अब यहाँ चेलन के घरे ना रहबे, अब धीरे से अपन घर पकड़ ले फूका जरे जाए ऐसन चेला ही। गुरुजी तैयार हो तो घरे जाए का, तब ले बोरन बहोरन दोनों भाई आए के गुरुजी का चरनिया पकड़ लाना। अब पकड़ के चरनिया गुरुजी का करत का हुआ मास्टर साहब एक लाइन गीत लगल बा। गुरुजी करत का हुआ मास्टर साहब
रतिया में, अरे रतिया में, अरे गुरु का भैला दूरा गतिया, रतिया में गुरु का भैला दूरा गतिया, बाबा छै भोरे में जागे दोनों कहे गुरु से नहाला, अब बनल हुआ खाना जल्दी भगवा लगाला, रतिया में, अरे रतिया में गुरु का भैला दूरा गतिया, कि गुरुजी तैयार होते हुआ अपने घरे जाए बदे, तो बोरन बहोरन दोनों जने जाए के गुरुजी का पैरवा पकड़ लल, कहले गुरुजी रात में बहुत बड़ी गलती भइल। बोरन कहले कि हम सोची बहोरना खियौले हुई गुरुजी, अब बहोरन सोचल कि हम सोची कि बोरना खियौले हुई गुरुजी, माफ कह दे गुरुजी बहुत बड़ी गलती भइल, अब गलती कभो न हुई। बोरन बहोरन पकड़ के कान उठे बैठे लगले मास्टर साहब, तो गुरुजी के दया आई गई। गुरुजी कहले जायदा चेले हुआ अपन गलती कैले, गलती के फिर माफी मांगत हुआ तो ऐसे बड़ी सजा का हो सकेली। गुरुजी रुक गईलन, तो बोरन बहोरन दोनों जने कहत हुआ गुरुजी चली खाना बन गल बा नहा ले भोग लगा के खाए ले। तो गुरुजी के एक दहिनी बाह बोरन पकड़ना, अब बहोरन बाई बाह पकड़ना, दाहिनी बाह बहोरन पकड़लन, अब बाई बाह बोरन पकड़लन, अब पकड़ के ले के गईले बाबू वही इनारे के किनारी पे बैठा दल। अब बैठौले के बाद करत कहूँ मास्टर साहब, अरे नहवावे में तमाशा हो गईल, रहल शीतलहरी घेरल चारो वर कुहासा, यार कुहासा, यार कुहासा, हे भैया नहुआवे के तो दोनों चेला ले गए गुरुजी के, लेकिन शीतलहरी बा धूप तनिको ना देखात बा, चारों तरफ कुहरा ही कुहरा बा, अब गुरुजी का कपड़ा निकाल के दोनों चेला रख दल। गुरु जी के वही इनारे पे बैठौले हुआ मास्टर साहब, अब बैठाए के का करत हुआ गीत बदल गई हो, ए जईहा बजरिया में बची के कही धक्का लगे ना, आप लोग बिरहा पर ध्यान दें। अब बहोरन करत का हुआ मास्टर साहब, बहोरन जी दुई बल्टी पनिया गुड़ के ऊपर गिरवल, बहोरन जब दुई बल्टी इनारे में से ठंडा पानी निकाल के गुरुजी के ऊपर डलन, अब गुरुजी का थर 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 थथड़ी हिले लगल, जब साटका पकड़ लाला गुरुजी के, अरे साटका पकड़ी खक्का, गुरुजी तो जजमानी में हुआ, और तब ले बोरन सोचल कि बोहरना कुल आशीर्वाद ले ले, तब बोरन का करत हुआ तीन बल्टी बोरन ते ही घरिया गुर के ऊपर गिरावल, I'm not afraid of the dark.
ठकरिया हो बल्टी का बल्टी अभिमनिया गुर के ऊपर गिरावला बहोरन गिरौले दू बल्टी पानी गुरुजी के ऊपर अब बोरन के बर्दाश्त ना भल गलई दू बल्टी से न होले गुरुजी के हम इनके एक बल्टी फदिले न हुआई। अब जाड़ा का महीना चारों तरफ कुहरा कुहरा शीतलहरी बा अब गुरुजी के एकदम ठटरी हिलत बा तर 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 दांत बजत बा एकदम मिर्गी आवे लगल गुरुजी की। अब बोरन ले के तीन बल्टी पानी गुरुजी के ऊपर गिरौले गुरुजी मने भी कर थोरे बस चेला बस बहोरन बस बोरन बस बहोरन बस बोरन बस बहोरन बस बोरन बस बहोरन बस बोरन बस बहोरन बस। अब गुरुजी का बात दोनों चेला मानत हुन इतना नहुआ दला ठंडी में कि गुरुजी सानल पिसान हो गई लें एकदम लकवा मार दला एकदम तर 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 हीलत हीलत वही इनारे के दांती गिर लें। दोनों चेला सोचत हुआ कि गुरुजी लगा था कि नहात नहात इत्था की गई लें सूती गई लें। अब गुरुजी के बोले भर के शक्ति ना रह गई एकदम दांत चियार दहने। अब दोनों मूर्ख चेला गुरुजी के पकड़ के ले के गई लें खटिया पे सुताए धले आ खटिया पे सुतौले के बाद शरीर और गुरुजी का बढ़िया बकायदे से पोछ धले अब पोछले के बाद गोहरा इतना सुलगाई के कड़ुआ तेल लहले उमा मास्टर साहब तनी से नमक डलले वही में जवाइन डलले जवाइन डलले वही में लहसुन डलले गरमाई की इतना तेल ले के बोरन बहोरन पहुंचले जायफना डलले का जाय के देख लले होता। अब बोरन बहोरन जब तेल लेके गुरुजी के पास पहुंचल हुआ तो भयल का मास्टर साहब गीत बदल गई खटिया के नीचे बैठल चोरावा खटिया के नीचे बैठल चोरावा सासु तानी कारा नाया जोरावा बुद्धि का भसूर दोनों चलावा बुद्धि का भसूर दोनों चलावा देह में लगावे चलला तेलावा मेसे में भी कैले बड़ा खेलावा मेसे में भी कैले बड़ा खेलावा देह में लगावे चलला तेलावा धीरे मीसे में वो गर्मी तब पवल है अटंगिया के ऊपर तब अटंगिया चढ़ावल है लठिया उठवला याला बेलावा अरे लठिया उठवला याला बेलावा देह में लगावा चलला तेलावा हे बाबू बोरन बहोरन दोनों जने इतना तना तेल गरमाई के
लेके गलने गुरु जी का खूब मालिश कैले, पूरा हाथ गोर शरीर इतना मालिश कैले कि गुरु जी के हल्का हल्का गर्माहट महसूस दल। मतलब तीनों फेस में लाइन आ गई गुरु जी की। थनी से गर्मी जब गुरु जी के आई शरीर में, बत्था तनी कम भयल तो गुरु जी का हाथ गोर तनी हिले लगल। अब गुरु जी उठाए के दहिनी टंगिया यही बाई टंगिया पे ऐसे चढ़ाए लगे। जब ऐसे चढ़ौला तबले तो भैया बहोरन गुस्सा में लाल बटोरन से बहोरन काला है, अरे बरना कोरे तोरे गुरु का इतना मन बढ़ गल बा, देखते हमारे गुरु के दबा दलन, तोर गुरु हमारे गुरु पे चढ़ गल हमारो बर्दाश्त से बाहर है बा। तब तो बड़ा खतरा कैले हों गुरु। अब ये गुरु जी डरात हूँ हमारे डरन, अभी गोड़वा उठाई के ऐसे कही के बाया टंगिया उठाई के दहिनी टंगिया पे कैले। तब ले भैया बोरनो कम ना हूँ, तम तमाए के उठ गई ले, कल करे बहरना कात्र ले कि तोरे पे हमार गुरु चढ़ गई लन, आई हमारे पे तोर गुरु का कई ले। इतने में बहोरन घर में गई ले, जाए के भैया लाठी लेके आइलन तो कैले का मास्टर साहब गीत बदल गई। बटा बटा गोरी बटल हजार पैबू, बटा बटा गोरी बटल हजार पैबू, नहीं बटा बूटा काहे करिया चार नैबू, में भीड़ गई लन अपना ही में ना भीड़ ले मास्टर साहब करत कहुन कहे डांट के बहोरनी या कारी गई ले, कहे डांट के बहोरनी या कारी गई ले, हमारे गुरु जी पे तो हर गुरु चढ़ गई ले, बोरन दहिनी टंगिया पर लठिया चलावा, पाई पर बहोर अपन जोरिया जमावा, दोनों भाई देखा गुरु खाती लड़ गई, दोनों भाई देखा गुरु तोहरे गुरु जी पे हमर गुरु चढ़ गई ला, तोहरे गुरु जी पे हमर गुरु चढ़ गई ला, तोहरे गुरु जी पे हमर गुरु चढ़ गई ला, तोहरे गुरु जी पे हमर गुरु चढ़ गई ला। अब भैया बात आगे बढ़ गई, ना बोरन माने के ना बहोरन, अब बोरन का कहलन लई के लाठी कलई बर्दाश्त से बहरे बा, मरल गुरु जी के ही दहिनी टंगिया पर खींच के गुरु जी का टांग जवनी हो टूट गयल। अच्छा तो भैया अब बहोरनो बर्दाश्त ना कैलस, बहोरन छीन के लठिया कलस करे तू हमारे गुरु के मार के तोड़ दलस, तोरे गुरु के हम छोड़ो, बहोरन खींच के बाबू लाठी यही बाई टांग पर गुरु जी के मरलन, अब गुरु जी का बाई टांग टूट गई, टूट गई। अब गुरु जी हाँ हाँ करते हुए बच्चा रुक जा चेला रुक जा रुक जा रुक जा, अब दोनों चेला मूर्ख माने के तैयार ना, अब वो समझ ही ना पौना चेला, चेलन के दोनों इहे समझ में वो था बस यही कमरिये से नीचे गुरु मानत हुए ऊपर एकदम धजा छोड़ दले हुए। अब देखत हुआ तो गुरु जी का दोनों गोड़ फूल के मट्टे मट्टे हो गया, गुरु जी का शक्ति न डोले के है न बोले के है, अब गुरु जी करें तो करें का, अब चेला के यहाँ से भागू ना पाई है,
अभी दोनों चेला खूब खुश हुए कि तू हमारे गुरु के मरले तो तोरे गुरु के मार के हम हूँ तोड़ दहली। ए भैया भयल का ए मास्टर साहब, अरे गुरु के साथे भयल आजब का खेला चेला लड़ी गई ले, तोरा ला टंगिया काम भयल अलबेला चेला लड़ी गई ले। शिष्य के चलते देखा महान भैर जजमानी हो, शिष्य के द्वारे लाठी पवल मिलल दान पानी हो। अरे चले दबाई लाने दोनों नबेला चेला चली भैला, पाकिट में ना बाटा एक या धेला चेला चली भैला। गुरुजी तो बेचारू बेहोश हो के सुतल हम। अच्छा देखी अब गुरुजी बेचारू तो सुतल हूँ, आह माई आह दादा कह के बेचारू गुरुजी कहरत हुआ। ऐली जजमानी करे चेलन के घरे, आई चेला एक लोटा पनियो न पियोन कुल मार के टांग हमार तोड़ दहना है। तोड़ दहना है अब करी त करी का। गुरुजी भागू ना पावत हुआ, जान बचाऊ ना पावत हुआ, और दोनों मूर्ख चेला के कितनों समझावा उस समझब न कर। बड़े देरी के बाद कहरत कहरत गुरुजी कहले चेला, ए बहोरन बेटा अब बोरन बेटा तू हूँ अबा, जा लाल लोगन मार के टांग तो तोड़ दला। अब तनी गर्म साड़ी लिया वा तनी पी। अच्छा वो दोनों चेलन के ही पता ना कि टांग टूटल है, दोनों का तो नहीं गुरु जी। बहोरना का गुरु हमारे गुरु पर चढ़ गई लन। बोरन कहला कि बहोरन कहला कि अरे गुरुजी बोरना का गुरु हमारे गुरुजी पे चढ़ गई लन, तो कैसे बर्दाश्त करब। मार के तोड़ दली गुरुजी, अच्छा ही न कैली। गुरुजी कहला हाँ लाल बहुत बढ़िया कैला, गुरु का रक्षा लोगन कैला, अब गुरुजी के अपने दवाई करा दा। तब दोनों चेलन का आँख खुलल कि अब गुरुजी का दवाई भी करावे के बाद अब दोनों चल गए डॉक्टर के यहाँ। ना हाथ में रुपया पैसा दोनों डॉक्टर के यहाँ गए हो चेला तो भयल का मास्टर साहब। अरे पाला ये ज्ञानी काया ज्ञानी से जब पड़ी है भैया, क्या
भैया, डॉक्टर साहब के यहाँ बोरन बोहरन दोनों भाई गई ले। तो डॉक्टर साहब से बताऊं कि डॉक्टर साहब गुरुजी हमार बहुत बीमार हो। डॉक्टर साहब कहला क्या हुआ, कहला कि गुरुजी हमरे गुरु के बहोरना मार के तोड़ दलस। बहोरन कहले कि डॉक्टर साहब हमरे गुरु के मार के ही तोड़ दले बा। अब बोरन कहला कि डॉक्टर साहब हमरे गुरु के मार के ई तोड़ दले बा। डॉक्टर साहब कहला ओ हो बात यहाँ से है, मतलब आपके गुरुजी को चोट लगी है। तो दोनों भाई कहला हाँ साहब, डॉक्टर साहब चोट लगल बा, दवाई ऐसा दे कि हमरे गुरु के आराम हो जाए। तो डॉक्टर साहब दवाई दहल, कुछ टेबलेट दहलन और कुछ सिरप दहलन पिए बदे। डॉक्टर साहब कहला कि ये टेबलेट के खिया दिया और ये सिरप के हिलाई के बढ़िया से गुरु के अपने पियाई दिया धड़का में डाल के। पैसा वाली बात आई तो पैसा है बे ना करे। अब दोनों जाए के हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब के चरणिये पे गिर गई। कहले गुरु वाली बात बा डॉक्टर साहब, पैसा रुपया ना बा, कुछ मजबूरी के समझी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझ लें कि जब ही कुल मूर्ख हुआ, जब ही अपने गुरु के मरुअले कुल कैले हुआ, अगर कहीं हम पैसा मांग ले तो कहीं ऐसा ने नने का दिमाग सन कई कुल हमहू के तोड़ दे। मारे डरन डॉक्टर साहब दवाई दे के बोरन बहोरन के वहां से हटा दल। अब बोरन बहोरन खूब खुश समय कि डॉक्टर साहब दवाई दे देना हमारे गुरु के आराम हो जाए, आराम हो जाए। अब रास्ते में अवत अवत भैया बोरन बहोरन दोनों जने भुलाए गए कि दवाइया कैसे खियावे के बा, के हिलावे के बा। बस बोरन बहोरन सोचत हुआ हिलावे के बा, 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 हिलावे के बा। अब का हिलावे के बोरन बहोरन के ही पता ना हो। बोरन कहला भाई मुके याद बा गुरु जी के हिलावे के बा, दवाइया पियावे के बा, ले के बाबू दवाई अले गुरु जी के उठाए के दोनों चेला बैठाए दल। अब गुरु जी का दोनों टूटल गोड़ गुरु जी बैठ पावत हुआ, गुरु जी धड़ाम से खटिया पे गिर जात हुआ। फिर जबरी उठाई के देखा वो दोनों चेलन के यहाँ से यहाँ कमाया ना बा, कमर से ऊपर कमाया ना, कमर से नीचे कमाया हो। खाली ये गोड़वा के कहा ये गुरु हुआ, गुरु के चरणिये में चारो धाम बा, यह गुरु हुआ। अब उठाए उठाए बैठावत हुआ गुरु जी गिर जात हुआ। जबरदस्ती उ टेबलेटवा खोल के मुहवा में ठूसी दल। ठूसले के बाद अब जब सिरफवा खोल के अब गुरु जी के लगल कुल हिलावे, बाह पकड़ के इतना हिलौल, इतना हिलौल, इतना हिला दल गुरु जी। नाही नाही करते हो ए बाबू पुटुक से बा चल गई ना, गुरु जी का प्राण निकल गए, गुरु जी मर गई ले। आ जब गुरु जी मर गए ना ए भैया तो दोनों चेला अब चिंतित हो गए ले। अब का कहल जाए, गुरु जी तो ना बोलते हैं ना डोलते हमें, पूरा गांव पूरा जुट गए। कहला बोरना बहोरना अपने गुरु के मार नौलन, थाने पे केहू खबर दे दल तबले आए गए बाबू थानेदार, पुलिस प्रशासन के लोग अले, मास्टर साहब दरोगा साहब आय के खड़ा भैले। तो बिरहा के सुने वाले भैया बाबू चाचा दादा लोग हमारे भैया लोग तनी ए बात पर ध्यान दिया, दुनिया में कितनों बड़ा आप ज्ञानी हुआ लेकिन आपके हारे के बाद के करे आगे हारे के बाद कहाँ हारे के बाद हमार गीत संकेत करत बा मास्टर साहब बिरहा के आखिरी लाइन बा। अरे ज्ञान का झंडा, अरे ज्ञान का झंडा मान लाया का सफारी, बाकी मूर्ख के आगे ज्ञान तो हर काम ना करी, बाकी मूर्ख के आगे ज्ञान तो हर काम ना करी।
दुनिया में बतौली ना कितनो बड़ा आप ज्ञानी विद्वान हुआ, लेकिन आपके हारे के बाद के करे आगे मूर्ख के आगे। अगर मूर्ख बाना तो तोहर कुल ज्ञान खाई के बैठ जाई। तू कितनो समझेबा वो अपने आगे समझबे ना करी। दरोगा साहब खड़ा हुआ, कला बोरन बहोरन को जल्दी बुलाइए। बोरन बहोरन दोनों भाई एकदम आए के ठाट से खड़ा हुआ। बुझा था दुनिया का सबसे महान काम कैले हुआ। दरोगा साहब कहले क्या हुआ, ए कौन है? तो दोनों कहले साहब ये हमार गुरु हुआ, जाए के एक पैर बहोरन पकड़ना, एक पैर बोरन पकड़ना। और दोनों जने पकड़ के लेके बैठला। दरोगा साहब कहले कि ये बताइए, दोनों भाई जब गौर पकड़ के बैठला है तब दरोगा साहब पूछे लगले कि ये बताओ कौन बहोरन है कौन बोरन है? कहले साहब मैं बोरन। वो कहले साहब मैं बहोरन। अच्छा तुम दोनों मिलके गुरु के साथ कैसे क्या किया? तब दरोगा साहब के दोनों भाई बतावत का हुआ माइटर साहब। दरोगा के सोझे कहे लगल दोनों भाई, कही के बताई कि कोई के देखाई। कहना साहब कही के बताई कि कई के दिखाई? दरोगा साहब कहले कि अरे मूर्ख, चाहे कही के दिखावा चाहे कर के दिखावा, लेकिन दोनों लोग बताइए कैसे गुरु के साथ में क्या हुआ? तब दोनों भाई फिर क्या करत हुआ? अरे बतावे खातिर दोनों भाई कदम आगे बढ़ावला, अब बोरन या बहोरन दोनों लाठिया उठावला। बताई तो कई दिन बतौते रह जा साहब, हमान कई के दिखा दे थीला। दरोगा साहब कहला जल्दी करो। दोनों भाई दौड़ के गईले घर में, अयापन अपन लाठी लेके अले। अब बिना कहले बिना पूछले ये मास्टर साहब, अब दरोगा साहब के वही टांगी पर दुई लाठी बहोरन देहलन और दुई लाठी बोरन। अब दरोगा साहब के थरथरी हिले लगल। खला साला सबको मैं मारता हूँ, अरे साले मूर्ख मुझे मार रहे हैं। अब देखे बाबू, जब दरोगा साहब घबराए लगलन, कहला जल्दी सालों को पकड़ो और हाथ में हथकड़ी लगाइए। बोरन बोरन कर रहे साहब, ये हथकड़िया काहे लगाओ थो, अमान मरली ना है। आप तो कहला कोई के दिखा दा, हमान कोई के दिखौली। ये भाई टेलर दिखौली, पिक्चर बाकी हो। ऐसे गुरु जी के अमान मरली। दरोगा साहब समझ गए करे साला, ये पूरा घचाक है। एकदम पूरा घचाक सारा है, मतलब कि बुद्धि का पूरा भसुरे हो। बुद्धि से कौनो लगाओ ना। दरोगा साहब कहला बस एक ही उपाय है, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाइए और ले चलिए जेल में, बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत कांड करेंगे।
दरोगा साहब बोरन बहोरन के हाथ में हथकड़ी लगौले, ले जाए के जेल में बंद कर दल। हमार पूरा गाना गौले का मतलब ई भयल कि मूर्ख के आगे ज्ञान तोहर कभो काम ना करी। तो पहले ही हम बतौले रही कि पागल से 50 हाथ लंबे और मूर्ख से 100 हाथ लंबे। ई रहल भैया बुद्धि का खेल और मूर्खन का कहानी। कहावत कहल बना कि भैंस के आगे बेन बजावा, भैंस करे पगुराओ। और आप लोगन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी बा कि जब पूरा बिरहा सुन लिहल जाई तो एक दूसरे के आप लोग शेयर जरूर कर जाई, ताकि दूसर भी केहू सुने तो ओके ही पता चले कि मूर्ख और ज्ञानी में कितना अंतर बा। तो पूरा बिरहा सुन के आप लोग कमेंट में जरूर बतैहन कि का अंतर बा मूर्ख और विद्वान में। बिरहा का हमार आखिरी लाइन में मास्टर साहब, गुरु बिहारी गुरु गणेश तब दोनों जेल में गईले, और दुई चेलन के चलते गुरुजी देवलोक के भईले। अरे नहुआ वै में तमाशा हो गईल, उजाला प्यारे